जनसंख्या नियंत्रण पर कमलनाथ ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। कमलनाथ ने अफसरों से कहा कि वो कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो अफसरों के वेतन में भी कटौती की जाएगी। बता दें कि अपने समय में संजय गांधी ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसी ही मुहिम छेड़ी थी। उस समय संजय गांधी का कड़ा विरोध भी हुआ था और कांग्रेस सरकार को काफी कुछ सहना पड़ा था। कमलनाथ के इस फरमान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आदेश सरकार की पूरी मानसिकता को दर्शाता है। गरीब लोगों पर इस योजना को थोपा गया है। अब कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसबंदी ऑपरेशन कराने के आदेश विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह जानकारी दी है। वहीं राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य निदेशक छवि भारद्वाज को पद से हटा दिया है। दरअसल भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारियों को टारगेट पूरा नहीं करने पर नो वर्क नो पे के आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश की तुलना इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नसबंदी अभियान से की थी। परिवार नियोजन के अभियान के तहत हर साल प्रदेश के जिलों को कुल आबादी के 0.6% नसबंदी ऑपरेशन का टारगेट दिया जाता है। इंदौर में यह टारगेट 22,000 ऑपरेशन का है। कुछ जिले इसे हासिल भी कर लेते हैं लेकिन इनमें पुरुषों की सहभागिता बहुत कम है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्वाज ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं जहां का टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में 2.1 TFR का लक्ष्य है। TFR का मतलब है कि एक महिला जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। कुछ जिलों में टारगेट भी हासिल नहीं हो पाते हैं जिससे पूरे प्रदेश के आंकड़े बिगड़ते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ललित मोहन पंत के मुताबिक पुरुष नसबंदी तुलनात्मक रूप से आसान है। इसमें एनिस्थिया देने की जरूरत नहीं होती है, जोखिम भी कम होते हैं। कई बार महिलाएं पति के ना करवाने पर भी मजबूरी में ये ऑपरेशन करवाती हैं। सरकार के आदेशों के बाद MPW और पुरुष सुपरवाइजरों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि वे जिले में घर घर जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं लेकिन किसी का जबरदस्ती नसबंदी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। वहीं भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि नसबंदी के मामले में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा हो और संजय गांधी की चौकड़ी अपने नियम बनाकर शासन चलाने का प्रयास कर रही हो। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर का कहना था कि आदेश का मकसद सिर्फ नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करना है, वेतन वृद्धि रोकना या नौकरी से निकाल देना मकसद नहीं है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।